विद्यार्थियों, मैं हूं विनय सर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल डियर चैलेंजर पर। आप पढ़ते होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको आप फिगर भी बनाए होंगे और उसका अध्ययन भी किए होंगे। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो आप हेडिंग पढ़ें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका प्रयोग कैसे होगा, उसके लिए आप साधारण सा क्या करेंगे, मार्केट में आपको एक लेजर लाइट मिल जाएगा, ये ले लीजिएगा। और मार्केट क्या घर पर आपके पास मिरर होगा, उसको ले लीजिएगा। और इस जो लेजर लाइट होता है, उसके पाथ को अगर देखना चाहते हैं तो आप धूप बत्ती ले लीजिए धुआं करने के लिए, अन्यथा आप किसी अन्य चीज को जला करके धुआं कर सकते हैं, क्योंकि धुएं में ही ये लेजर लाइट का पाथ आपको दिखाई देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रयोग का। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जलती हुई अगरबत्ती के बीच में यहाँ दिखाया गया आपको कि किस तरह से लेजर प्रकाश किरणें आप धुएं में देख पा रहे हैं, उसके पथ को आपतित प्रकाश किरण कहाँ गिर रही है, आपके मिरर पर पड़ रही है, दर्पण पर पड़ रही है और ये परावर्तित हो जा रही है ना। और धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आपतन कोण, मतलब कि जब हम इसको अभिलंब के नज़दीक लाते हैं तो आपतित किरणें कम परावर्तित होती हैं, और जैसे जैसे ला करके हम इसको अभिलंब पे लाते हैं तो अभिलंब के लाने के बाद ये सीधे परावर्तित हो जाती है। जब आपकी प्रकाश किरणें अभिलंब पर आती है तो सीधे परावर्तित हो जाती है। और इस तरह से आप देखते हैं कि आप अभिलंब पर गिरने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं, और अभिलंब से जब जैसे जैसे हम दूर जाते हैं प्रकाश किरणें वैसे वैसे दूर चली जाती हैं, है ना। आपतन कोण बढ़ने परावर्तन कोण बढ़ जाता है।